Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to MaSaRa Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद. मैं हूँ सबिका सैयद. आज मैं यहाँ पर चटपटी स्पैगेटी बना रही हूँ. जी हाँ, चटपटी स्पैगेटी. नॉर्मली स्पैगेटी तो हम सभी खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको थोड़ा चटपटा किया है, बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में. तो चलें देखते हैं कि चटपटी स्पैगेटी कैसे मैं रेडी करती हूँ. यहाँ पर मैंने स्पैगेटी का 1/2 पैकेट यूज़ किया है. किसी भी कंपनी के आप स्पैगेटी ले लें, उसको 1/2 पैकेट मैंने यूज़ किया है. स्पैगेटी स्टिक को एक स्टिक के मैंने 3 पीसेस किए हैं. उसके बाद इसको बॉयल किया है. जब ये बॉयल हो गया तो उसके बाद इसमें सादा पानी इस पे से गुजारा, एक छन्ने में इसको डालकर ऊपर से पानी इसमें से गुजारा. उसके बाद जब पानी निकल चुका है इसमें से, तो इसमें हमने ऑयलिंग करके इसे बॉल में कर देंगे. बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल चिपके हुए नहीं है. बिल्कुल ये अलग है, ये कहीं से भी चिपके हुए नहीं है आपस में. इसके साथ ही यहाँ पे चिकन है, जिसके मैंने इसे क्वार्टर में छोटे छोटे बिल्कुल पीसेस कर लिए हैं. ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा है. ये चिकन 1/2 पैकेट स्पैगेटी में 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा चिकन है. यहाँ पे मैंने सब्जियाँ काट के रखी हैं. यहाँ पे 2 मीडियम साइज ऑनियन, जिसको बिल्कुल चॉप कर लेना है. 3 जवे लहसुन के, इसको ही मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है. 1 मीडियम साइज़ की गाजर है, इसको ही बिल्कुल, देखिए सबको मैंने क्वार्टर्स में काटा हुआ है, बिल्कुल चॉपिंग स्टाइल में है. यहाँ पे शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज शिमला मिर्च है, उसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है. और हरी प्याज की एक जो होती है, 1 हरी प्याज की फिर स्टिक, उसको यहाँ पे देखें बिल्कुल बारीक उसको काट लिया है. सही. अब हम आते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ. तो स्पाइसेस में यहाँ पे चाहिए मुझे 1 टी स्पून अजीनो मोटो, 1 टी स्पून सॉल्ट, 1 टी स्पून सोया सॉस, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टी स्पून चिकन टिक्का मसाला जो मैं शान का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च. और अब इस स्पैगेटी को रेडी करने के लिए इसका सॉस हम कैसे, मुझे कैसे बनाना है. तो इसके सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें ली हुई है, जिसमें है 3 टेबल स्पून सिंपल टमाटो केचप, जो सिंपल टमाटो केचप होता है वो 3 टेबल स्पून, चिली गार्लिक केचप 2 टेबल स्पून, एंड 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, जो कि मार्केट में हॉट सॉस के नाम से भी अवेलेबल होता है, रेड चिली सॉस के नाम से भी अवेलेबल होता है. चीज़ें दोनों एक ही है, नाम बेशक डिफरेंट है पर चीज़ वो एक ही है. ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं सॉस बनाने के लिए. और इसमें स्पैगेटी में मैं लास्ट में इसमें दम दूंगी मोज़रेला चीज़ का. इसको मैं छोटे छोटे पीसेस करके इसको जब दम पर लगाएंगे तो फिर होगा. तो वो चलने दिखाते हैं. 1 टेबल स्पून ऑयल, ऑयल गर्म हो चुका है. फर्स्ट एंड ऑल आई एम एडिंग ऑनियन, इसको लाइट सा फ्राई करूंगी. चंद सेकेंड इसको फ्राई करने के बाद अब जो यहाँ पे मैंने गाजर और लहसुन चॉप करके रखा था इसको ऐड करूंगी. इसको मिक्स करके फ्राई करें. मैंने इसे 5 मिनट्स फ्राई किया है. उसके बाद देखिए लाइट सा ऑनियन का जो है कलर चेंज होने लगा है. तो अब इस स्टेज में मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी. चिकन मैंने चिकन को फ्राई करूंगी. अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी, सॉल्ट, अजीनो मोटो, चिकन टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर, इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रहने दूंगी. इसको 5 से 7 मिनट इसको गलने के लिए इसको कवर करके छोड़ दूंगी. यहाँ पे मैं थोड़ा और ऑयल ऐड कर रही हूँ, 7 टेबल स्पून मैंने और ऐड किया. 7 मिनट मैंने इसे कवर करके स्लो हीट पे कुक किया है. अब इसमें मैं ये वेजिटेबल ऐड करूँगी, स्प्रिंग ऑनियन, हरी प्याज, ये शिमला मिर्च, इसे मिक्स कर लें अच्छे से. अब मैं इसको स्लो हीट में 5 मिनट्स और कुक करूंगी कवर करके. अभी यहाँ पर स्पैगेटी का सॉस रेडी करना है. ये मैं इंग्रेडिएंट्स में दिखाना रह गया था, वाइट वेनेजर, सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून ये भी है. तो चलिए इसका सॉस मैं रेडी करती हूँ. ये टमाटो केचप, ये मैंने लिया था 3 टेबल स्पून, इसमें 2 टेबल स्पून यहाँ पे ग्रीन चिली केचप, गार्लिक ग्रीन चिली केचप 2 टेबल स्पून,
1 tablespoon red sauce, 1 teaspoon white vinegar, बस इतना ही है. और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें. स्पैगेटी सॉस रेडी हो चुका है. इसमें चटपटी स्पैगेटी में बस सिर्फ मैं उसके सॉस में यही वाला सॉस ऐड करूँगी. इसको हमें जस्ट 3 to 5 minutes लो हीट पे कवर करके रखना है. मैंने यहाँ पे 5 minutes रखा है ताकि ज़्यादा देर रखेंगे तो सब्जियाँ बिल्कुल टेंडर हो जाएंगी और वो बिल्कुल मिक्सचर हो जाएंगी. लेकिन यहाँ पे देखें बिल्कुल ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स नज़र आ रहे हैं. और अभी जो इसका पानी है उसको मीडियम हीट में हमें ड्राई कर लेना है. अब यहाँ पर मैं इसमें जो मैंने सॉस रेडी किया था चटपटी स्पैगेटी का सॉस वो ऐड करूँगी. बहुत सिंपल सॉस है, जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स का सॉस है, कोई मुश्किल नहीं है बनाना. अब इस सॉस के साथ यहाँ पर सोया सॉस ऐड करना है. इसे मिक्स कर लें और थोड़ी देर कुक करें. ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड. यहाँ पे देखें इतनी देर स्पैगेटी हो गई है, बट ये देखें बिल्कुल अलग अलग ही, ये नहीं चिपकी. जो टेक्निक मैंने आपको बताई है बस उसी को यूज़ कीजिए, उसी से इंशाल्लाह बेहतर रहेगी. अब इसमें स्पैगेटी ऐड करनी है और इसे देखें यहाँ मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ. जल्दी जल्दी मिक्स करना है, जल्दी नहीं चाहिए. अब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और फिर मिक्स करूँगी. अब यहाँ पर मैंने ये मोज़रेला चीज़ के छोटे छोटे पीसेस कर लिए इसे ऐड करें. अच्छा मोज़रेला चीज़ जो है इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं. और अभी दम पे लगाने से पहले इसको क्या इसको इसमें मिक्स करेंगे और 5 मिनट्स मैं इसे कवर करके दम पे लगा दूँगी स्लो हीट पे. आफ्टर 5 मिनट्स देखें ये बिल्कुल स्पैगेटी हो चुकी है, चीज़ी से स्पैगेटी रेडी हो चुकी है. मोज़रेला चीज़ इसमें बहुत अच्छे से देखें मेल्ट हो चुकी है. ये देखें कितना चीज़ी सा इसका लुक आ रहा है. आप इसे डिश आउट करके दिखाते हैं. चटपटी चीज़ी स्पैगेटी रेडी हो चुकी है. इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा. मैं हूँ मारिया सैयद. मैं हूँ सभी का सैयद. अल्लाह हाफिज़.